आई है उसको तो खत्म कर नहीं पाए। वो तो अच्छा है कि तकिया पे गुस्सा निकल रहा है, कहीं गलती से हमको लग गया होता तो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन करे भी तो क्या करें, क्या करें रुद्र बाबू। एक तरफ तुम हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हो और दूसरी तरफ भाई का मोह। अरे वही मोह माया तो हमको रुका देता है हर बार, लेकिन अब नहीं। जब से बुआ जी का बात सुना तब से खून खोल रहा हमारा। अब हमको पता चला कि इस घर में हमारा क्या औकात है, लेकिन अगर घर वाले जैसे हमारे साथ सौतेला जैसे सलूक कर रहे हैं ना, वैसा ही सलूक अब हम करेंगे उनके साथ। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन तेज को मारना ही पड़ेगा। अब जब सब बात समझ में आ ही गया है ना, तो ये सब सपना देखना बंद करिए। अपना लंबा लोग को बोलिए कि समय बर्बाद ना करे, और ये बार एकदम तीर निशाने पर मारे। अगर अब की बार निशाना चूका ना, तो जिंदगी भर का देखा हुआ सपना सब टूट जाएगा का। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, कि सारी बलाएं भगवान हमको दे दे। रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं बस यही सब देख रहा था, उसी में रात हो गई। कोई वक्त है क्या टीवी देखने का? टीवी? जी ये टीवी नहीं, इसे लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप मतलब चलता फिरता कंप्यूटर, कंप्यूटर तो जानती है ना आप। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, आप यहाँ आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए कैसी है। ये फोटो तो अच्छी है, पर पीछे ताजमहल या लाल किला होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, जैसा मेले में होता है। एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये मेरी लाइफ पार्टनर है। ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और इसीलिए हम बुआ जी से माला मांग रहे हैं ताकि हमारी शादी हो जाए, लेकिन ना ही वो समझी और ना ही आप समझ पाई। अच्छा, हम ना ही काम कर रहे थे, हम माँ और बाबूजी को ये बात बता के आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताना, अगर सबको पता चल गया ना तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, और सही समय आने पर ना मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं।
अब आप ये सब छोड़िए और कल की तैयारी कीजिए। कल की तैयारी? कल का है? अरे कल तेज भैया का जन्मदिन है तो उनके लिए कुछ खास करना पड़ेगा ना। उनका जन्मदिन है? हमें तो पता भी नहीं था। किसने आपको हर मुश्किल घड़ी से बचाया? जीवन के नए साल पर हर कदम पे खुशियां ही खुशियां हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई किसने बताया कि आज हमारा जन्मदिन है? जय जी ने। तो ठीक है, आज हम चाहते हैं कि तुम और हम और तुम आज हम पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। समय मिलेगा मैडम? दोस्त चलो जल्दी, तुम्हें माँ बुला रही है। अरे अभी बुला रही है, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। लीजिए माँ, आ गई हमारी दोस्त। अच्छा हुआ बहुत आ गई। आज दिन भर तू हमारे साथ ही रहना, का है ना, आज बहुत है काम। आजा। अरे भैया आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? पहले तू हमको ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। मैं तो बस वो, अरे हम तो बिट्टो से बात करने आए हैं। ओ बात बात करने का कोनो जरूरत नहीं है। आज बहू को परेशान मत करना, उको दिन भर आज बहुत काम है, वो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ और तू रसोई घर में क्या कर रहा है? तू जब भी रसोई में आता है ना, बहू का ध्यान काम से हट जाता है। हाँ चल जा यहाँ से। जा। आप भी कुछ कम नहीं हो। मतलब? अरे दोस्त आपने देखा नहीं भैया कैसे बेताब हो रहे थे? आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? अभी जाने दीजिए ना, वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब आप भी बेताब हो रही है, देख रही हो माँ? दोस्त इस बेताबी के बाद ना सरप्राइज का और भी मजा आएगा, क्यों माँ?
करेगी थी तू। चलो चलो हम चलते हैं। अरे वो माँ जी। अरे उनकी चिंता तुम मत करो, उनको जय संभालेगा। चलो हंसी आ रहा तुमको हम पर? नहीं नहीं आप पर थोड़ी ना हंस रहे, हम तो हमको ये बताओ कि हमारे साथ घूमने चल रही हो कि नहीं। भैया कोई परेशानी है आपको? अरे नहीं नहीं तुम्हारे होते हुए उनको क्या परेशानी हो सकता है? अब मतलब अरे तू नाराज होके चले गए, मैं कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया ना इन्हें? अरे अगर परेशान नहीं होते तो बाहर कैसे जाते, और अगर बाहर नहीं जाते तो आज रात की तैयारी कैसे होती? बिट्टो जय कहाँ गए सब लोग? बिट्टो बिट्टो गए सब लोग, और तुम्हें अकेले का ही खड़ी हो? अरे हमारे साथ नहीं जाना था तो वो लोग के साथ चली आती। अरे अच्छा खासा मौका था जन्मदिन का, लेकिन एक दिन के लिए हमारे साथ बाहर नहीं जा सकती, और हम पागल जैसा काका सोच के बैठे थे कि यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन तुम हो कि सब बेकार कर दियो। जन्मदिन बहुत मुबारक हो भैया। देखिए अब आप गुस्सा मत होना, इस सबके लिए बहुत मेहनत लगी, ये सारा घर हम सब लोगों ने साथ मिलकर सजाया है, लेकिन आपको ये सरप्राइज देने के लिए घर से बाहर भेजना जरूरी था। क्यों दोस्त? अब बहू की तरफ मत देख, हम सब ये जानते हैं कि तू अपना जन्मदिन अपने पत्नी के साथ मनाना चाहता था, हमरे साथ नहीं। ऐसी कोनो बात नहीं है दादी बुआ, हम तो बस ठीक है ठीक है ठीक, अब बहाना बनाने का कोनो जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, चलिए अब चुपचाप केक काटिए, चलिए आइए। जन्मदिन बहुत मुबारक हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये क्या दादी बुआ, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गिफ्ट देना होगा। हाँ मां तेज को बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। लेकिन हमारा तोहफा अभी तक आया नहीं, उसी का इंतजार है। चलिए ठीक है, तो जब तक आपका गिफ्ट आता है तब तक हम सब लोग भैया के जन्मदिन की खुशी पर एक गेम खेलें। चलिए दोस्त आपकी बारी है, चलिए जल्दी से गाना शुरू कीजिए। जी जायदाद ट्रांसफर के पेपर ट्रांसफर हो चुके हैं, और ये आपकी फाइल। अरे सब कहाँ हुआ? अरे
ही तो हमरे तरफ से तोहफा है। हम अपना सारा जायदाद तेज और बिट्टो बहू के नाम कर दिया। हमरे जायदाद पर और हमरे ही घर में सिर्फ मेरा चलता है। तुम होश में बात करो सुगंधा। अरे होश में तो हम हैं दादी बुआ, लेकिन अगर आप ये बिट्टो का सच्चाई जान जाएंगी ना तो आपका होश खत्म हो जाएगा। और आप जो ये गलत फैसला ले रही है ना वो भी आप बदल देंगे। बिट्टो का सच्चाई सुनना चाहेंगी आप? अब जिस घर की बहू को अपना पुरखों का जमीन जायदाद देने जा रही है ना, वो दक्षिण टोला की लड़की है। छोट जास्ट